अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अभी मैं काम कर रही हूँ अपने ब्यूटीफुल न्यू ड्रेस के टैसल्स पे। ये एक्चुअली फ्रंट बैक के मैंने बनाए, क्लोजअप करके दिखाना। ये डिज़ाइन है, क्लोजअप करके और क्लोजअप करके दिखाना। ये डिज़ाइन है और इसके ये दूसरा है फ्रंट बैक के, इस तरह से येलो कलर में। मेरा ड्रेस तो बर्न पिंक का है, बट उसमें जो फ्लोरल बेल बनाई है उसके अंदर बहुत सारे लीफ के ग्रीन कलर हैं, येलो हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, तो वो सारे कलर्स मैं टेसल्स में दूंगी। तो उसका मैंने दो बनाने, एक ये बनाया और एक ये डिज़ाइन है। इसका क्लोजअप से दिखाओ और क्लोजअप से दिखाओ। तो हाँ, इसका मैं मोती अभी दूसरा पीस बना रही हूँ, तो वो दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर है, एक सेकेंड होल्ड करना। अच्छा, ये रहा फ्रंट और ये रहा इसका बैक। ये दोनों एक साथ गोल जॉइन होंगे और उसका लुक बहुत प्रिटी आएगा। फिर उसके अंदर पेपर बॉल्स लगा, सॉरी पेपर बॉल नहीं, फैब्रिक बॉल लगा के इन दोनों को एक, ये दोनों मतलब ये एक टैसल रेडी हो गया है और ये दूसरा टैसल बना रही हूँ। मुझे ये इसका दूसरा पीस ये है। अभी कितने दो रहते हैं, दूसरा भी लगा के दिखाते हैं। ये मैं पूरा ना कोशिश करूँगी सामने कंप्लीट कर लूँ, ताकि ये ना रहे कि ये मैंने खुद बनाया भी है या नहीं। देखें, ये मोती लगाया, ये भी। चलो तीसरा मोती मैं ऑफ कैमरा लगा सकती हूँ। फातिमा बहुत सलीकामंद हो तुम। अब एक रह गया, मतलब ये जो मैंने सितारा लगाया था ना, हर सितारे के नोक पे एक एक मोती लगाया है। मैं लास्ट वाला मोती लगा रही हूँ। ओके, ये पार्ट तो हो गया इसका मोतियों वाला। अब मैं इसके मोतियों के बाद इस पे ऑरेंज कलर का सितारा लगा रही हूँ। करीब करके दिखाना। ये जैसे ये नज़र आ रहा है ना, बर्न पिंक कलर, सॉरी बर्न ऑरेंज कलर का सितारा, वो है ये। कितना प्रिटी कलर है ना, मैं डाल के दिखाऊँ इस पर, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब ये सितारा लगाऊंगी मैं इस बॉल्स के एक एक बीच में, ठीक है। लगा के दिखाती हूँ, एक दो लगाती हूँ, बाकी ऑफ कैमरा लगाऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाला सुई और सितारा लिया, थोड़ा करीब रखा है क्योंकि वो मुझे स्टाइल ऐसा देना है। ये मैंने ऑरेंज कलर का उठाया और ये बस लास्ट टू रह गए। किसी को शक नहीं होगा कि मैंने खुद बनाया है, मार्केट से बनाया है। वैसे अब तो लोगों को पता चल गया है कि मैं कितना काम कर लेती हूँ। पहले होता था कि मार्केट से करा के बोल रही है कि जो मार्केट से कराऊंगी मैं बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ तक बताती हूँ, देखें दोनों को, देखें यहाँ तक काम लग गया। अब इसमें ये रेड वाले लगेंगे, तो रेड वाले के लिए सबसे पहले मैं इसमें मार्कर करूँगी ताकि इसका सर्कल टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ इसके थर्ड लेयर। थर्ड लेयर का इतना मुझे टाइम लगा, एक्चुअली धागा मेरा डबल था, यहाँ पर मैंने सिंगल धागे से लगाया। मैं क्लोजअप करके दिखाऊँ, ये देखिए सिंगल धागे से मेटल वाला, आई थिंक 4 नंबर या 5 नंबर सितारा है। मुझे नंबर वंबर सही से याद नहीं है, बट आई थिंक ये 4 नहीं है 4 से बड़ा ही है। अब ये लगाऊँगी मैं, इस तरह से इसका लुक आएगा और मैंने उसके डॉट्स लगा दिए, ठीक है। ये मैं एक दो लगा के दिखाती हूँ, बाकी ऑफ कैमरा लगाऊँगी, ठीक है। एक लग गया, अब दूसरा लगा रही हूँ।
अब ये मैं बाकी पूरी लाइन ऑफ कैमरा करके फिर दिखाती हूँ। चलिए ओके जी, ये ऑलमोस्ट ख़त्म पे है। अब मैं ये जो एंड में गैप होता है ना, इसमें मुझे डिसाइड करना होता है एक लगाऊं या दो लगाऊं, तो मैं एक ही लगा रही हूँ। थोड़ा सा इसका धागा ना स्प्रेड कर दूंगी क्योंकि दो ओवरलैप हो जाएंगे, तो इसी को थोड़ा फैला के धागे को, तो ये यहाँ तक दिखा रही हूँ कि ये एटलीस्ट यहाँ तक कवर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये लगेगा, तो इसकी मैं मार्किंग कर लेती हूँ। मार्किंग नहीं करूँगी ना तो फिर क्या होता है कि वो आगे पीछे चला जाता है। ये हो गई इसकी मार्किंग। ये लाइन कंप्लीट हो गई, अब हम जा रहे हैं इसकी तरफ, और ये वाला जो सितारा है ना, ये रेड धागे से लगा हुआ है, तो फिर इसकी मार्किंग कर लूँ मैं इस तरह। मतलब मार्किंग के बगैर भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा सर्कल आगे पीछे हो जाएगा अगर मार्किंग के बगैर, क्योंकि अभी बिल्कुल सर्कल अच्छा आ रहा है। ये एंड लास्ट इसका स्टेप। ये वाला सितारा है ये, इसको हम शेडेड कटोरी सितारा कहते हैं सिल्वर में। ठीक है, ये लगाऊंगी, बट रेड थ्रेड से दे रही हूँ तो बहुत अच्छा इसका शेड आ रहा है, वो भी सिंगल है, तो फिर मैं सिंगल ही दे रही हूँ। और यहाँ से मैं एक दो लगा के फिर कंप्लीट करके दिखाती हूँ इस तरह से, तो पीछे से चेक कर रही हूँ कि मेरा पूरा धागा है। ठीक है, ये है इस तरह से। इसके ऊपर सिल्वर पर रेड लाइन बहुत अच्छी आती है, जैसे मैं फ्लैट भी है ना, तो मैं उल्टा करके लगा रही हूँ। सीधा भी करके लगा सकते हैं, बट राइट नाउ मैं इसको अपसाइड डाउन लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए लंबा धागा नहीं तो फंस जाता है कहीं ना कहीं। अब ये एक लगा लिया मैंने, अब मैं सारी लाइन कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ठीक है, चलें जी, लास्ट रह गया। लास्ट में अगेन अगर गैप ज़्यादा है तो मैं इसको थोड़ा सेंटर करके लगाऊंगी, क्योंकि दो लगाऊंगी तो वो ओवरलैप करेगा। तो ये हो गया मेरा, मैं दिखाती हूँ दूसरा साइड बाई साइड। ये वाले पेंसिल का दोनों फ्रंट बैक कवर हो गए। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, क्योंकि ये बगैर मार्किंग के बना रही हूँ ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा फैल गया। इसके बीच में येलो का गैप आ रहा है। एनीवेज वो इतना पता नहीं चलेगा, बट इसको पक्का कर लूँ और फिर मैं वो सारे दिखाती हूँ जो मैंने अभी तक बनाए। ये मेरा कंप्लीट हो गया। सुई को हमेशा, सुई और कैंची में मेरी जान होती है, और इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत संभाल कर रखती हूँ, क्योंकि टूल्स हैं मेरे। अच्छा, अभी मैं वो दिखाती हूँ जो ये हो गए मेरे, ये वाले टसल कंप्लीट। वैसे एक जैसे चार होने चाहिए, अभी मेरे दो हुए हैं, दो और बनाऊंगी तो कंप्लीट होंगे, और दो ये हैं। ठीक है, क्योंकि इससे फ्रंट बैक का एक टसल बनेगा। बाकी मैंने जो सैम्पल बनाए हैं वो दिखाती हूँ। अच्छा, ये इतने सारे मैंने सैम्पल्स बनाए हैं, और ये मैंने सिंगल सिंगल बनाए हैं, डबल एक जैसे नहीं बनाए। उसकी रीज़न ये कि फिर मैं कारीगर से डुप्लीकेट करवा लूँगी, वड्डे पे ज़रा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्लोजअप करके दिखाऊँ। जैसे एक ये है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी ट्राइंगुलर नहीं, आई थिंक वो जो काइट शेप बन सकती है, ये भी, ये तो सर्कल्स ही हैं सारे, ये सिंगल सिंगल हैं, बट ये सैम्पल्स बने हुए, इनको फिर कॉपी करवा लूँगी। ये भी एक है, फिर ये ऑरेंज में है, देन देयर इज काइट शेप। काइट शेप के दो डिफरेंट हैं, और उसके बाद ये ऑरेंज में यहाँ रख देते हैं, ऑरेंज में। उसके बाद थोड़ा ऊपर से दिखा रहे हो कि पूरा वो नज़र आए। उसके बाद ये ग्रीन में है, ये सब सिंगल सिंगल बने हुए। ये हॉट पिंक में है, देन दिस इज़ अगेन सैफ्रॉन कलर, एंड दिस इज़ रेड, नहीं ये ऑरेंज है, एंड दिस इज़ लाइलैक पर्पल वॉयलेट कलर। सब सिंगल सिंगल हैं, तो हो सकता है कि मैं खुद इनको डबल या फोर साइड कर लूँ। वैसे मेरा इरादा नहीं है, मैं सिंगल बना के ना कारीगर को दूंगी। हो सकता है सैम्पल अपने पास संभाल के रख लूँ और इसकी डुप्लीकेट चार बनवा लूँ, ताकि कभी रिपीट कर लें। तो इस तरह से तो ये मेरे आज के टेसल्स हो गए, और प्राइमरली ये जो ग्रीन और येलो टेसल्स हैं,
ये मेरे फेस्टिव कलेक्शन के सूट का हिस्सा है। एनीवेज जो भी देख रहे हैं प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। लव यू ऑल, बाय।